हेलो स्टूडेंट, बीएससी ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर हाइपरबोलिक फंक्शन का मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू किया है। आज ये चौथा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले तीन वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वो सब वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और इससे पहले मैं दो चैप्टर बीएससी ट्रिग्नोमेट्री का और दो चैप्टर डी मॉइवर्स थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, ये दोनों चैप्टर का वीडियो लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं, चौथा वीडियो लेक्चर हाइपरबोलिक फंक्शन का। इसमें हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। पहला सवाल, इफ टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे को दिया हुआ है टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो हमको ये चीज प्रूव करना है। तो वी हैव, जो मेरे को दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। वी हैव सॉल्यूशन में टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो टेन को हम लोग इक्वल के इधर ले जाएंगे, मतलब अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब इक्वेशन वन में जहां जहां भी आई है, आई की जगह माइनस आई रख देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे आई की जगह माइनस आई, रिप्लेसिंग आई बाय माइनस आई वी गेट। तो हमको जो मिलेगा क्या मिलेगा, अल्फा प्लस आई की जगह माइनस आई, मतलब माइनस आई बीटा। और राइट साइड में टेन इनवर्स एक्स प्लस, देखिए राइट साइड में टेन इनवर्स एक्स है, और ये आई की जगह माइनस आई अगर रख देंगे तो माइनस आई वाई हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, टू फ्रॉम वन, मतलब वन से टू को घटा रहे हैं। तो अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में ये ब्रेकेट ओपन कर देंगे तो अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा प्लस आई बीटा हो जाएगा लेफ्ट साइड में, देखिए ये हो जाएगा, है ना। और राइट साइड में क्या होगा, टेन इनवर्स इसको एक्स मानेंगे माइनस टेन इनवर्स इसको वाई मानेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन इंटू एक्स इंटू वाई, वन प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। राइट साइड में क्या है, देखिए माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में तो आई बीटा मतलब टू आई बीटा लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा। और राइट साइड में क्या होगा, ये जो नोमरेटर है, नोमरेटर में हम लोग ब्रेकेट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, और नीचे में वन प्लस, और ये जो है एक्स को अगर हम लोग ए मानते हैं और आई वाई को अगर बी मानते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी उस फॉर्म में है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। और तब लेफ्ट साइड में टू आई बीटा, राइट साइड में टेन इनवर्स, यहां पर देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया तो आई वाई टू आई वाई हो गया, और बट्टा के नीचे में वन प्लस एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर के चलते माइनस वन माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये टेन इनवर्स जो है उसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो टेन टू आई बीटा हो गया और राइट साइड में टू आई वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर टेन आई इंटू टू बीटा बोल सकते हैं इसको, तो टेन आई थीटा इज इक्वल टू होता है आई टेन हाइपरबोलिक थीटा, मतलब इसका हो जाएगा टेन आई इंटू टू बीटा, मतलब आई टेन हाइपरबोलिक टू बीटा हो जाएगा। और राइट साइड में जो भी है उसको वह उतार दिए, तो ये जो देखिए आई आई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, टेन हाइपरबोलिक टू बीटा इक्वल टू टू वाई बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग इसको कॉट में चेंज कर देंगे तो ये उलट जाएगा, ये टू टू वाई नीचे आ जाएगा और वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, मतलब कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू वाई। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में टू वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब टू वाई कॉट हाइपरबोलिक बीटा। और इसको सिंप्लीफिकेशन अगर करेंगे तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और बाकी जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लेफ्ट साइड में ले जाने से ये माइनस हो जाएगा और प्लस वन लेफ्ट साइड में ही था इसलिए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यही हमको प्रूव करना था, देख लीजिए, ठीक है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए व्हेन लॉग साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा सो दैट 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ई का पावर 2 फाई प्लस ई का पावर माइनस 2 फाई माइनस 4 ई का पावर 2 अल्फा और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 2 ई का पावर 2 अल्फा। ठीक है, तो हमको क्या दिया है log sin थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। वी हैव क्या log sin थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। अब log को इधर ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड में sin थीटा प्लस आई फाई बचेगा और log उधर चल जाने से e का पावर अल्फा प्लस आई बीटा हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड में sin a प्लस b मतलब sin a into cos b plus cos a into sin b वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। राइट साइड में e का पावर अल्फा और e का पावर आई बीटा लिख देते हैं। ठीक है, मतलब पावर अगर इक्वल रहेगा तो सॉरी बेस अगर इक्वल रहेगा तो पावर जुटेगा, तो वही बात है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या किए लेफ्ट साइड में जो भी था साइन थीटा की जगह साइन थीटा कॉस आई फाई की जगह कॉस हाइपरबोलिक फाई क्योंकि कॉस आई थीटा इज इक्वल कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा और यहाँ साइन आई फाई की जगह आई साइन हाइपरबोलिक फाई ये फॉर्मूला होता है साइन आई फाई इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक फाई। और राइट साइड में ई का पावर अल्फा और ई का पावर आई बीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं ई का पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो यहाँ पर कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, और ई का पावर अल्फा को तब अब हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या होगा साइन थीटा और कॉस हाइपरबोलिक फाई और ये आई को पहले लिख देते हैं आई कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई और राइट साइड में ई का पावर अल्फा कॉस बीटा और आई ई का पावर अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम इक्वेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो लेफ्ट साइड का रियल पार्ट ये है और राइट साइड का रियल पार्ट ये है मतलब हो जाएगा ये साइन कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू ई का पावर कॉस बीटा और लेफ्ट साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई ये कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई और राइट साइड में जो इमेजिनरी पार्ट मतलब आई का कोफिशियंट वो है ई का पावर अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन वन मान ले रहे हैं और इसको इक्वेशन टू मान ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं दोनों को स्क्वेयरिंग कर दे रहे हैं इक्वेशन वन और टू को स्क्वेयरिंग करके ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा। देखिए लेफ्ट साइड में इसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव है ना और प्लस इसका भी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव। राइट साइड में क्या इसका स्क्वायर हो जाने से ई का पावर अल्फा का स्क्वायर मतलब ई का पावर टू अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा इसका स्क्वायर हो जाने से e का पावर अल्फा का स्क्वायर मतलब e का पावर 2 अल्फा और साइन बीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग ये जो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाइव बाई 2 फिर प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जगह पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव की जगह कॉस हाइपरबोलिक 2 फाइव माइनस 1 बाई 2 ये होता है। ठीक है, और राइट साइड में e का पावर 2 अल्फा को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि पूरा में एलसीएम ले रहे हैं लेफ्ट साइड में तो 2 इंटू 2 था मतलब 4 एलसीएम तो 4 एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई के साथ मल्टीप्लाई होके कुछ यहां से लेकर के यहां तक इस प्रकार से मिलेगा फिर बीच में प्लस फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा और कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से यहां से ये देखिए इतना दूर तक ये वाला मिलेगा। ठीक है, अब राइट साइड में ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है 1 इंटू ई का पावर 2 अल्फा मतलब 2 अल्फा। अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पर ये जो है माइनस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई यहां भी है माइनस कॉस 2 थीटा कॉस हाइप सॉरी ये प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इंटू कॉस 2 थीटा मतलब ये जो है ये वाला इसके साथ सेम है लेकिन इसके आगे में माइनस है और इसके आगे में प्लस है तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा फिर ये जो माइनस 1 है प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा होगा और यहां पर कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई मतलब प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई मतलब आपार मतलब किया न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर में रहेगा 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 4 और राइट साइड में e का पावर 2 अल्फा
ये जो है लास्ट लाइन को हम लोग नेक्स्ट पेज में हूबहू उतार दे रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग लास्ट लाइन को हूबहू उतार दिया। अब क्या ऊपर में हम टू कॉमन ले लेंगे तो टू फोर के साथ कट जाएगा, मतलब ऊपर में कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू बचेगा, ये देखिए। और राइट साइड में ई का पावर टू अल्फा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टू कॉस टू ई का पावर टू अल्फा। इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव मतलब कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा बाई टू होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक टू फाइव मतलब ई का पावर टू फाइव प्लस ई का पावर माइनस टू फाइव बाई टू। और यहां पर ये जो है ये वाला हम लोग लेफ्ट साइड में ले आए और इसको राइट में ले गए, ठीक है, मतलब माइनस कॉस टू थीटा को राइट में ले गए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर एलसीएम ले रहे हैं एलसीएम टू, तो यहां पर ई का पावर टू फाइव प्लस ई का पावर माइनस टू फाइव और ये टू टू से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब टू होगा और टू से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टू को, तो फोर हो जाएगा फोर ई का पावर टू अल्फा और राइट साइड में कॉस टू थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो टू कॉस टू थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब ई का पावर टू अल्फा प्लस ई का पावर माइनस टू सॉरी ई का पावर टू फाइव प्लस ई का पावर माइनस टू फाइव माइनस फोर ई का पावर टू अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, एक तो हमको ये प्रूव करना था और दूसरा हमको प्रूव करना था अगेन, ये देखिए इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन वन को हूबहू उतार दिए, यहां से कॉस टू थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये निकलेगा, ये भी एक प्रूफ हो गया। तो हमको जो प्रूफ करना था कि या तो ये प्रूफ कीजिए नहीं तो ये प्रूफ कीजिए, सॉरी ये वाला ये प्रूफ कीजिए नहीं तो ये प्रूफ कीजिए, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इफ कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, इस इक्वेशन का रूट होगा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो हमको जो दिया है कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, तो उसको हम लोग यहां पर लिख देंगे, वी हैव कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। अब कॉस को उधर ले जाएंगे तो यू प्लस आई वी इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई बीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी लगा दिए। अब कॉस आई बीटा मतलब कॉस हाइपरबोलिक बीटा और साइन आई बीटा मतलब आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो ये लेफ्ट साइड में यू प्लस आई बी, राइट साइड में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा, कॉस आई बीटा की जगह कॉस हाइपरबोलिक बीटा और माइनस की जगह माइनस और साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा, साइन आई बीटा की जगह आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में जो रियल पार्ट है वो यू है, राइट साइड में जो रियल पार्ट है कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा है, तो इसीलिए कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा यू के बराबर हो गया, ये यू के बराबर हो गया। और इधर जो आई का कोफिशियंट है वो है साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा और माइनस बी है, इसलिए माइनस साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा ये भी के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमको करना है हमको इसका वैल्यू निकालना है वन प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का, इसीलिए नाउ यू वन प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल वन प्लस यू, यू मतलब इसका, देखिए इसका स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस वी स्क्वायर, वी मतलब ये पूरा का स्क्वायर कर देने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए वन की जगह वन कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा की जगह कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा और ये जो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस वन, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, क्या फॉर्मूला था, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वहां से हम लोग साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब हम लोग इसका ये दोनों को प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देने से यहां जो है यहां से यहां तक जो है ये सेम रहेगा ये, ठीक है। और ये वन के साथ एक बार पूरा मल्टीप्लाई कर देने से ये हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई कर देने से ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, यहां भी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, तो ये जो है ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा मेरे पास वो बचेगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और यहां पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये दो ही टर्म बचेगा, ठीक है।
तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दैट इज ये हम लोग लिख ही लिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को जो निकालना है, क्या निकालना है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको लिखना है जिसका रूट होगा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, तो उसको हम लोग लिख लिए, देखिए द इक्वेशन हुज रूट्स आर कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, मतलब दो रूट, मतलब क्या हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही दो रूट होता है, एक रूट कॉस स्क्वायर अल्फा दूसरा रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ रूट्स मतलब ये एक रूट है ये रूट है, दोनों का सम होगा इसके जगह और दोनों का प्रोडक्ट होगा इसके जगह, तो वही लिख दिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब ये दोनों का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ अब देखिए ये जो है इसके जगह पर, ये देखिए इसके जगह पर हम लोग 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसके जगह 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके जगह यू स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यू इज इक्वल टू है कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा है, मतलब इसको हम लोग यू स्क्वायर लिख सकते हैं, देख लीजिए यू का स्क्वायर कर देने से ये चीज आ जाएगा, तो हम लोग उसको लिख दिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये जो एक्स है और इसके जगह पर क्या, इसके जगह 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है और इसको यू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। थैंक यू।